आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड ट्रीट्स फॉर द डॉग। और आप ये देखो इसके अंदर कितना इजी है कि हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना अच्छा ट्रीट बना देंगे, डॉग्स इतने खुश हो जाते हैं और साथ में ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले 250 ग्राम चिकन चाहिए, चिकन मिन्स अगर हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप चिकन नॉर्मल चिकन के पीसेस लेके उसका भी मिन्स कर सकते हैं। जितना हम चिकन लेंगे उसका डबल हम आटा लेंगे, व्हीट फ्लावर, जो कि जैसे अगर हमने 250 ग्राम चिकन मिन्स लिया है जो कि बोनलेस है, उतना है, उसके डबल होगा 500 ग्राम। तो हमने 500 ग्राम आटा लिया है। थर्ड इंग्रेडिएंट है पीनट बटर, जो कि हम शुगर एंड सॉल्टेड फ्री लेंगे, जो डॉग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज माइंड इट। हम लोग शुगर एंड सॉल्ट फ्री लेंगे। इसके बहुत सारे अदर वेरियंट भी हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हम लोग ये क्रंच वेरियंट ट्राई कर रहे हैं। तो इसके हम 3 टेबलस्पून्स, आप अकॉर्डिंगली अपनी बाइट्स जब भी बनाएंगे, ट्रीट जब भी बनाएंगे, उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने प्रोपोर्शन दिया है उस हिसाब से आप इसके अंदर उसको एड ऑन करें। फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा एग्स। अगर हमने 500 ग्राम आटा लिया है तो उसके लिए हम 3 एग्स लेंगे। आप वही बात हो गई कि आप अकॉर्डिंगली जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। गाइज वैसे तो हम लोग इसको हाथ से आपको नीट करके दिखा रहे हैं, बट अगर किसी के पास फूड प्रोसेसर अवेलेबल है तो आप उसको उसमें भी नीट कर सकते हैं बहुत इजीली। बट सबके पास ये अवेलेबल नहीं होता तो इसलिए हम लोग इसको हाथ से करके दिखा रहे हैं कि सबके लिए इजी हो जाए कि कैसे इसको डो किया जा सकता है। इसके अंदर जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ तक नीट कर लिया है और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आटा अभी सूखा रह गया है तो जरा सा आप पानी ऐड करके इसको नीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पानी लगेगा इसमें, थोड़े से पानी से आपका नीट हो जाएगा। ये जरा सा 2-3 चम्मच पानी डालेंगे आप तो ये नीट हो जाएगा और ये परफेक्ट आपका डो बन जाएगा। वैसे तो आप इसको ओटीजी में भी बेक कर सकते हैं बट मेरे पास ओटीजी अवेलेबल नहीं है अभी, तो हम इसको एयर फ्रायर में बेक करेंगे और इसको 5 मिनट्स 180 डिग्री पर पहले हम प्री हीट करेंगे। जब तक हमारा वो प्री हीट हो रहा है एयर फ्रायर, और अगर आपने ओटीजी में भी बनाना है तो भी 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको 5 मिनट्स के लिए उसको प्री हीट करना है। और इसके थोड़े थोड़े से लेके आपने पोर्शन उसको आटे में डिप करके अच्छे से और उसको रोल करना है। जैसे आप रोटी बेलते हैं बस वैसे ही आपने बेलना है इसको, बस इसको उतना मोटा रखना है जितना आप परांठी के लिए बनाते हैं, जैसे परांठी के लिए उसकी इतनी विड्थ होती है, उतना मोटा रखना है आपने। फिर जेरी को भूख लग चुकी है गाइस। जेरी भूख लग रही है गाइस, ये जेरी को बहुत ज्यादा पसंद है और आप देखो ये कितने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है। गाइस अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री के ऊपर रखेंगे। गाइस इसके घंटे बज चुके हैं और इन बाइट्स को देखो, गॉड बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्राउन बाइट्स बनी है। दीज आर वेरी हेल्दी गाइस, प्लीज ट्राई इट वंस। गाइस जेरी बहुत वेट कर रहा है, इसको पसंद आ गया, इसकी खुशबू से इतना पागल हो जाता है कि इसको इतना पसंद है इसको खाना, और ये आराम से अपना बैठ के खाते हैं अपनी जगह पे, इसको एंजॉय करते हैं ये बाइट को, ये ट्रीट है इसके लिए। यू वांट दिस? गाइस इसका ये फोर्थ लास्ट बैच बन गया हुआ है, ये फुल इसकी बाइट्स देखिए, हंड्रेड्स ऑफ बाइट्स बन गई हैं इसकी। इसको ठंडा होने पे जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा इसको इस तरह के एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर आप फिल करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे 10 से 15 दिन, और डिपेंड करता है कि आपका डॉग किस तरह से इसको खाता है। वैसे तो ये बेस्ट है।